स्टडी करते हैं आपके कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फॉर द फंक्शन। ये दोनों का दोनों बेटा इकोनॉमिक्स थे और आपके कॉक डॉगलस ने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है, कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट में आपकी एक इंडिविजुअल अंडरटेकिंग, एक इंडिविजुअल फर्म के ऊपर प्रोडक्शन कंसर्न से रिलेटेड स्टडी करने के बजाय ऑल यूनाइटेड स्टेट में जितनी भी आपकी अंडरटेकिंग थी, जितनी भी आपकी यूनिट थी, उन सब के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या किया, सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आपकी जो प्रोडक्शन की जाने लग रही है ऑल ओवर, जितनी भी आपकी कंट्री की जितनी भी फर्म है ना, एक अकाउंटिंग ईयर में उन फर्मों के थ्रू जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाने लग रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट निकलता है, इनपुट तो यहाँ पे भी होंगे, आउटपुट यहाँ पे भी होंगे, इनपुट की हेल्प से आप क्या करोगे बेटा, आउटपुट करोगे। एक ही इंडिविजुअल फर्म को छोड़ के मैंने होल इकोनॉमी की सारी फर्मों को कंसीडर कर लिया और उसके आधार पर बेटा मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि आपको यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते तो मुझे पता चलता उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पर क्या करने लग रही है, अपनी एफिशिएंसी पावर को खोने लग रही है और उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने का रीजन क्या है। बट बेटा जब पूरी की पूरी कंट्री की सभी फर्मों का एग्रीगेशन ले लोगे तो एग्रीगेशन के दौरान आपको ये लॉसेज उठाने पड़ेंगे, आप ईच एंड इंडिविजुअल जो फर्म थी उसकी एफिशिएंसी पता नहीं लगा पाओगे, उसकी प्रोडक्टिविटी को पता नहीं लगा पाओगे, ऑल ओवर परफॉर्मेंस का पता नहीं लगा पाओगे और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी जो रियल आउटपुट और रियल रिजल्ट आपके सामने आना चाहिए था वो आप नहीं ला पाओगे। ठीक है ना, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया था बट कुछ हद तक ये बेनिफिशियल रहा अगर आप पूरी कंट्री के प्रोडक्शन को लेकर बात करो, कुछ हद तक बेटा ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा अगर आप टोटल एग्रीगेशन के व्याप पर आप कुछ डिमेरिट्स ढूंढना चाहते हो कि कहां पे आप फेलियर साबित हुए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बेटा एक्चुअल प्रोडक्शन का पोटेंशियल प्रोडक्शन के साथ क्या किया जाता था, कंपैरिजन। अगर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन पोटेंशियल प्रोडक्शन के कंपेयर में क्या रह जाता था, कम रह जाता था, उसे बोलते शॉर्ट कमिंग। क्या बोलते बेटा, उसे आपका शॉर्ट कमिंग होना, उस शॉर्ट कमिंग की आप क्या जानना चाहते हो मुझसे, रीजन। बट मैं आपको रीजन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उस शॉर्ट कमिंग के पीछे कौन कौन सी फर्में जिम्मेवार है ये आपके लिए पता लगाना इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है ना, सच्चाई है या नहीं है, बट अगर मेरे सामने एक फर्म होती तो मैं उसकी परफॉर्मेंस पे बता पाता, उसकी डिमांड्स पे बता पाता और उसमें क्या क्या क्वालिटीज है वो भी बता पाता, सबका नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, देखो प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाई नॉट टू एन इंडिविजुअल, क्या बोला बेटा मैंने, एक इंडिविजुअल फर्म के ऊपर नहीं बट टू द होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी उन सभी के सभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के थ्रू जो भी ऑल ओवर प्रोडक्शन हुआ उनके एग्रीगेशन को लेकर क्या करता है, ये बात करता है। ठीक है ना, आउटपुट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट यूज एज लेबर एंड कैपिटल। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है सर आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपके सामने बनकर सामने आया है। ठीक है ना, आउटपुट इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और इनपुट क्या होता है बेटा, यूज एज ए लेबर एंड कैपिटल, ये आपके इनपुट फैक्टर्स होते हैं। इसने यहाँ पर यही रिप्रेजेंट किया बेटा, सबसे पहले इसने क्या बोला, क्या क्या का मतलब क्या हुआ, टोटल आउटपुट जो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने मैन्युफैक्चर किया है, इक्वल टू के, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा इकोनॉमिक्स में, कैपिटल, और एल, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, लेबर को। फिर मैंने क्या कर दिया बेटा, ए और सी दो फैक्टर्स मैंने कंसीडर किए, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं। पॉजिटिव कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर आप जिन भी कंपोनेंट को जिन भी फैक्टर्स को अडैप्ट करने लग रहे हो उनको लेके आपकी जो सेंस होती है वो क्या होगी, पॉजिटिव। आप नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे नहीं बढ़ने वाले। टोटल बढ़ क्या मान लिया, वन, वन माइनस में जो आपका कॉन्स्टेंट फैक्टर होगा उसको क्या कर देना, माइनस। ये आपका फॉर्मूला है आपका कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। क्या बोला, क्या होगी, आउटपुट, एल इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, सी इज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, के एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फिर क्या बोलता है, ऑल्दो द कॉक डॉगलस प्रोडक्शन, ये ध्यान से देखना बेटा ये वाली बात ध्यान से सुनना, ऑल्दो द कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन सफर फ्रॉम मैनी शॉर्ट कमिंग। समझ लोगे बेटा, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपकी पोटेंशियल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना पड़ा, कंपेयर करने के बाद पता चला आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, बट हर एक फर्म ने अपना हार का ठिकाना दूसरी फर्म के ऊपर डाल दिया। अब कौन सी फर्म जिम्मेवार है, किस मैटर में जिम्मेवार है, आप पता मेहनत नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपने पूरी कंट्री की सभी फर्मों को इंक्लूड किया, ये इसके लिए मैरिट है।
तो शॉर्ट टर्म इट इज द एक्सटेंशुअली यूज इन इकोनॉमिक्स एज एन एप्रोक्सीमेशन। बेटा इसके थ्रू जो रिजल्ट निकलेंगे वो सर्टेन रिजल्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट वो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट होंगे। मैं बोलता हूँ सर अप्रोक्सीमेशन का मतलब, आप बोलोगे अप्रोक्सीमेशन के भी आप रिजल्ट निकालना, वो ऑलमोस्ट ठीक भी हो सकते हैं और कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं। बेटा पॉप डॉगलस ने आपको क्या क्या था अपना बताया था, यूनाइटेड स्टेट है याद रखना, यूनाइटेड स्टेट की सभी फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के ऊपर सर्वे किया गया था ठीक है। सर बेटा क्या आता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये कब लागू होता है, कब लागू होता है बेटा, इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सर आपने हमें बताया था ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स क्या होते हैं कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हो बेटा, बढ़ा सकते हो ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थ्रू आप क्या देखते हो डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इसने क्या बोला मेरे को, सबसे पहले ले लिया लैंड, फिर क्या ले लिया लेबर, सर ये आपका क्या है फिक्स फैक्टर शॉर्ट टर्म में। सर आपने क्या किया लेबर कितना किया वन, फिर कितना किया टू, फिर कितना किया थ्री और फिर कितना किया फोर, समझ रहे हो बेटा, ये चीज होती है। ये मेरे को बोलता है कि आपका प्रपोर्शन लगातार क्या होता जाने लग रहा है बेटा, लगातार आपका प्रपोर्शन यहाँ पे देखने को मिला कि आपका क्या हो रहा है चेंज होता जा रहा है। पहले फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या था वन रेशो वन, फिर फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या था वन रेशो टू, फिर फिक्स्ड और वेरिएबल का क्या था वन रेशो थ्री और फिर फिक्स्ड और वेरिएबल का वन रेशो फोर। जैसे जैसे आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है वैसे वैसे आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करते चले जाओगे और प्रोडक्शन क्या कर दोगे इंक्रीज कर दोगे ठीक है ना। इसको बोलते हैं लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ठीक है ना, ये कर दिया। अब डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों है सर, इसकी बात सुन लो, ड्यू टू डिपेंडेंसी, ड्यू टू डिपेंडेंसी। सर आपको पता है फिक्स फैक्टर तो क्या है पैसिव फैक्टर, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा एक्टिव फैक्टर, वो एक्टिव फैक्टर कौन है लेबर। बेटा पहले स्टार्टिंग में एक अकेली लेबर ने काम स्टार्ट किया, उसको पता है तेरी परफॉर्मेंस अच्छी तरह क्या की जाने लग रही है, चेकआउट की जाने लग रही है, वो अपनी एफिशिएंसी पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगा। फिर एक लेबर के कितने लेबर हो गए बेटा दो, एक लेबर के ऊपर दूसरा लेबर और अपॉइंट किया आपने, फिर बेटा कितने हो गए दो, डिपेंडेंसी स्टार्ट, डिपेंडेंसी वो बोला तू कर ले वो बोला तू कर ले, दोनों ने क्या कर दिया अपनी एफिशिएंसी को गिराना स्टार्ट कर दिया, ये क्यों नहीं कर रहा ये क्यों नहीं कर रही। फिर आपने तीसरा लेबर लगाया, फिर आपने चौथा लेबर लगाया, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स बढ़ाओगे आपका प्रोडक्शन इनिशियली स्टार्ट होगा, बट आफ्टर दैट बेटा वो अपनी एफिशिएंसी पावर को गिरा देते हैं, दैट्स व्हाई आपका ऑल ओवर प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, जो एक अकेली लेबर दे रही थी उसके कंपेयर में आपको कम आउटपुट देखने को मिलेगा, दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आगे क्या बोलता बेटा, द लॉ ऑफ प्रोडक्शन अंडर द कंडीशंस आर नोन अंडर वेरियस नेम्स एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और एज द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज स्टडीड बाय द चेंजिंग द प्रोपोर्शन इन विच इनपुट आर कंबाइंड। अब आप क्या करते हो कॉम्बिनेशन बनाते हो बेटा इनपुट का, क्या बनाते हो कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन के थ्रू डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आप जो डिफरेंट टारगेट अचीव कर पा रहे हो उसकी स्टडी करवाता है। फिर द लॉ ऑफ रिटर्न, मैंने आपको बोला था बेटा आपको शॉर्ट टर्म में क्या देखने को मिलता है रिटर्न टू ए फैक्टर और लॉन्ग टर्म में रिटर्न टू ए स्केल, इसमें रिटर्न किसके बारे में बात कर रहे हो फैक्टर्स के रिटर्न के, टू ए वेरिएबल इनपुट, टू ए वेरिएबल इनपुट एज एनी चेंज इन द आउटपुट इज टेकन एज रिजल्टिंग फ्रॉम एडिशनल वेरिएबल, किसी भी एडिशनल वेरिएबल यूनिट यानी किसी भी वेरिएबल फैक्टर के एडिशनल लेबर को काम पे लगाने से टोटल आउटपुट के ऊपर जो भी आपको क्या देखने को मिलेगा चेंजमेंट देखने को मिलेगा उसकी स्टडी करवाता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसका मतलब आफ्टर दैट स्टार्टिंग में तो पूरे की पूरी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, धीरे 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 क्या कर देंगे बेटा वो अपनी उसको परफॉर्मेंस को गिरा देंगे, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न। The law states that we increase the quantity of one input which is combined with the we increase in the quantity of one input जो combine करेगा किसके साथ बेटा constant उसके साथ additional one fixed input के साथ, the marginal physical productivity of the variable must eventually decline but after that बेटा initially increase होगी eventually after that यानी at last क्या हो जाएगी वो decrease। बेटा यहाँ पे जो देख रहे हो ना यहाँ पे एट लास्ट जाके आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी गिरने लग जाएगी क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं डिपेंडेंसी ठीक है ना उसकी वजह से। और फिर क्या होता है बेटा डिक्लाइन एंड इंक्रीज इन द सम
इनपुट रिलेटिव टू द अदर फेज इनपुट विल बी इन अगेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉज कर रहा है उसके बाद क्या जाएगा पॉजिटिव आउटपुट टू इंक्रीज बट आफ्टर ए पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग में क्या किया आपने नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया और बेटा आपने वेरिएबल फैक्टर्स की पूरी एफिशिएंसी यूज कर ली स्टार्टिंग में बढ़ेगा मैं मना नहीं कर रहा आफ्टर दैट बेटा एट लास्ट आपको क्या देखने को मिलेगा आपका ये कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या होने लग रहे हैं हानिकारक साबित हो रहे हैं और आपका प्रोडक्शन एट लास्ट बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा कम हो जाएगा समझ रहे बेटा इसके बारे में ये क्या करता है यहाँ पे स्टडी करता है इसको बोलते हैं आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपके पेपर में क्या बोल सकता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इस वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे कल हम इस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर देंगे कल की वीडियो में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच।